नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर, जहां मैं जुड़ा हूं आपके साथ बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से आ जाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आए क्रैक UPPSC UP SSSE विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सभी साथीगण जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ रहे होंगे शानदार तरीके से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। देखिए, आप लोगों ने UP SSSE पैट का एग्जाम दिया होगा और आप लोगों ने यदि डेली क्लास ली होंगी तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेस्ट ये मैं कह सकता हूँ कि अब तक सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आए हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी के। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा टफ था लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल था। रोशन जी, स्टडी जी, ट्विंकल जी, गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। बस जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए, यहाँ पर सेशन को शेयर करिए, हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी ऐप के बारे में। आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें। यहाँ पर आपका गोल क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर भाई आप लोग अपना मेरी प्रोफाइल अजीत सिंह के नाम से सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ कि आप कहीं भी किसी भी समय लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं भैया, मल्टीपल कोर्सेज में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर शानदार चीजें आपको मिलेंगी, वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको अपनी तैयारी करने का एक नया अंदाज मिलता है कि आप अपने आप की तैयारी परख रहे हैं, कि आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलता है और भैया मल्टीपल डाउट सेशंस मिलते हैं। बेटा, आप लोगों का कैसा हुआ है सबका एग्जाम, मुझे बताइए जरा एक बार। देखिए, UPPSC UP SSSE मेगा सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने पर, 2 महीने, 24 महीने पर, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए, प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भैया UPPSC UP SSSE सब्सक्रिप्शन है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सभी साथीगण जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट है, 1 रैंक पर 100%, 2 से 3 पर 50, 4 से 25 पर 25% स्कॉलरशिप है। GS के 150 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, बेहतरीन मेहनत करेंगे। UPPSC भैया चैंपियनशिप टेस्ट है, ये पेपर GS का होगा, 9 बजे, 9:30 से 11, 11:30 बजे तक, और पेपर सेकंड सी सेट होगा 2 बजे से 4 बजे तक। 1 रैंक पर 100% स्कॉलरशिप है, 4 से 15 रैंक पर 50%, और 16 to 50% पर 25%, और भैया 21 से 100 रैंक पर 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। 2.4 लाख भैया ये स्कॉलरशिप यहाँ पर है। तो अभी आप लोग दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग विशाल भड़ाना जी, प्रीति चौधरी जी, अमित कसाना जी, आदित्य जी, सभी साथियों को नमस्कार। RO AR O के लिए भैया यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज भी है, UPSI के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग अच्छे से इसको ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए भैया आप लोगों का चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप पढ़ेंगे शानदार तरीके से। प्रारंभ UPPSC लोअर PCS है, यहाँ पर प्रगति RO AR O के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े। लिखा है पहला क्वेश्चन, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। लिखा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, चलिए बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सुधा दाना जी, बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, कौन कौन साथी बताएंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बताइए। रोमिका जी, चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी साथीगण। सागर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और कौन कौन साथी हमारे यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए और आंसर देना स्टार्ट करिए। देखिए, सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 80 हैं, कितने हैं 80, एक आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 81 में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा है लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा का गठन, सीटों की संख्या। आप लोग जानते हैं अधिकतम कितनी सीटें हैं इसमें, अधिकतम कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 552। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आप लोग कहेंगे ये वाला क्वेश्चन आया था, वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो आप बता देंगे सर 543, कितनी 543। ठीक है, गुड मॉर्निंग मंजू जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि उच्च पैदावार बीज
इसमें सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? सोनालिका और कल्याण सोना किससे संबंधित होंगे? जौ से, चावल से, गेहूं से, मक्का से? कौन कौन साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है? बढ़िया प्रश्न है भैया, बहुत अच्छे प्रश्न है। अब याद रखना कि आपका लेखपाल का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है आपका नवंबर में। कब? नवंबर में। तो अब यूपी जीके और हिंदी आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, रोमिका जी बता रही हैं गेहूं, रोशन जी बता रहे हैं सी गेहूं, और कौन कौन बता रहे हैं भैया? चलिए, हम लोग जानते हैं सर, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। एक अन्य जो किस्म है गेहूं की वो है 1555, राज 1555। राज 1555 एक किस्म है भैया। एक RL 213 एक किस्म है गेहूं की, ठीक है? और एक है KRL 210, ये गेहूं की किस्में हैं। क्या है? ये गेहूं की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, सर्व और वॉली किस शब्द से, सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस या स्कॉर? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन मित्र बता रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर है। उसको वॉलीबॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल। हिंदी में भी वॉलीबॉल ही लिखा जाता है। चलिए बता दीजिए, कौन कौन साथी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन साथी बता देंगे? अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी पॉइंट जी गया हूँ, रोमिका जी गया हूँ, ट्विंकल जी गया हूँ, रोशन जी थर्ड का बी, और कौन कौन बता रहे हैं भाई? हाँ जी, रोमिका जी थर्ड का ए, और कौन बता रहे हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा ए, टेबल टेनिस। देखिए टेबल टेनिस, सॉरी टेनिस, टेनिस। देखिए जब कभी भी कोई एक खिलाड़ी बॉल को लेकर टेनिस से मारता है उसे बोलते हैं सर्व, ठीक है? जब एक खिलाड़ी बॉल को लेकर दूसरे पाले में फेंकता है टेनिस के द्वारा तो वो कहलाता है सर्व। अब दूसरा खिलाड़ी टप्पा लगकर जमीन को वो रिटर्न करता है उसे कहते हैं बॉली। तो सर्व और बॉली दोनों किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। कौन कौन साथी बता रहे हैं? बिल्कुल जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी बता रहे हैं? बढ़िया प्रश्न है आप लोगों का। चलिए बताइए कौन कौन बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। कहाँ पर? बेलुड में। बेलुड, या इसको बेलूर भी बोलते हैं, बेलुड या बेलूर मठ है यहाँ पर भैया। इसका मुख्यालय बनाया गया, ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पर? कलकत्ता में पड़ता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सर स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आप लोग याद रखें, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, रोशन जी, ट्विंकल जी, स्टडी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दें। चलिए, पाल वंश का पहला शासक पूछा गया है, आप कहेंगे सर गोपाल था। कौन था? गोपाल। इसने 750 से लेकर 770 तक शासन किया है, ठीक है? और भैया ये गोपाल पाल वंश का शासक था, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कर लेंगे आप लोग। मुझे बता दीजिए जल्दी से क्या आप लोग इतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। इसने भैया एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसने, गोपाल ने विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था उदंतपुरी में। कहाँ पर कराया था? उदंतपुरी में। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे, उदंतपुरी में, ठीक है? जो बिहार शरीफ मठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बिहार शरीफ मठ। और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बिहार मठ, और भैया एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उदंतपुरी में। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जा चुकी हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपके। बताइए कौन कौन से हैं, कौन मित्र यहाँ पर बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए। कौन साथी बता रहे हैं सर कि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन MSP के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया है? कौन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल रोशन जी ई बता रहे हैं, बिल्कुल शानदार। इसका हो जाएगा 25, यानी कि 24 फसलें जो हैं, 24 फसलें किसकी हैं, खरीफ की हैं, किसकी हैं, खरीफ की हैं। 7 फसल किसकी हैं, रबी की हैं, ठीक है। 3 फसल किसकी हैं, वाणिज्य फसलें हैं। क्या हैं जी, वाणिज्य फसलें हैं। तो आप लोग इनको कहेंगे सर वाणिज्य फसलें हैं, तो आप लोग यहाँ से वाणिज्यिक फसलें हैं, ठीक है। 20 ये कितनी हो गई, तो आप लोग क्या कह रहे हैं भैया, ये 14 हैं, 14 कितनी है, ये 14 फसलें, समझ गए आप लोग। अभी वर्तमान में एक प्लस कर दी गई है तो टोटल कितनी हो गई, 25। नेक्स्ट है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी सकर प्रजाति है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसकी सकर प्रजाति है। आप लोग बता दीजिए, मैंने कराए भी हैं कि 100 से 50 ग्राम, 100 ग्राम से 150 ग्राम बीज, 150 ग्राम जो बीज होगा, यह बीज कितने कितने जमीन के लिए काफी रहेगा, तो 1 हेक्टेयर के लिए, कितने के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए भैया ये सफिशियंट होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर, यानी कि 1,000 हेक्टेयर के लिए 100 से 50 ग्राम बीज काफी होते हैं। और ये किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये होगा आलू, टमाटर का, किसका जी, टमाटर का, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या गुजरात, क्या इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी से बताइएगा, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या गुजरात, कौन साथी बताएंगे। बढ़िया प्रश्न है जी, एकदम बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर बिल्कुल टमाटर किस किस का सही है, बिल्कुल सही रोशन जी, ट्विंकल जी, स्टडी जी, बहुत बढ़िया टमाटर है। मोहम्मद रेहान, फैजल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्यूट प्रिंस जी, हाँ जी इवनिंग में कराएंगे बेटा उसको, हाँ जी। चलिए जवाब दीजिए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। देखिए विशेष कृषि क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, अगर हम बात करेंगे पहला राज्य कौन सा था, तो सभी मित्रों को इसके बारे में जानकारी होगी कि 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखा था, जिसे हम कहेंगे विशेष कृषि क्षेत्र, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। अब आप लोग बता दीजिए कौन सा था, बताइए जल्दी से, तो आप कहेंगे सर इसका था उत्तराखंड, क्या आंसर हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला पूछी है कौन थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, कौन कौन बताएंगे भैया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप कहेंगे सर एस विजय लक्ष्मी, कौन, एस विजय लक्ष्मी, जिन्हें 1974 में, जिन्हें 1974 में, आप लोग बताइएगा 1974 में, यहाँ पर आप लोग क्या बताइएगा, समझ रहे हैं आप लोग, 1974 में, सिंपल सी चीजें हैं, 1974 में भैया इन्होंने ये खिताब जीता था, उसके बाद भैया इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, खिताब जीता, क्या किया इन्होंने, खिताब जीता भैया ग्रांड मास्टर का 1974 में, और उसके बाद फिर इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया, इससे अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया, इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, चलिए बता दीजिए, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, कौन कौन मित्र बताएंगे, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं, परिचालन की बात हो रही है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर इसका क्या आंसर होगा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचालन, यानी कि भारत आ गई थी वो कब से ऑपरेट करने लग गई थी, इसने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल क्यूट प्रिंस जी, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन थे, चलिए चलिए बहुत बढ़िया,
ड्रीम यूपीएससी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी है जो डेनमार्क से आई थी, ये भारत आ गई 1616 में, इसने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, इसकी प्रथम फैक्ट्री कब लगाई गई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1620 में इन्होंने भैया अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के सीरमपुर में लगाई थी। कहाँ पर लगाई जी? बंगाल के सीरमपुर में, आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर? सीरमपुर में। इनकी दूसरी फैक्ट्री थी 1676 में लगाई गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ये त्रावणकोर में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? त्रावणकोर में लगाई गई, ठीक है। ये लगी थी दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री लगी है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ ये क्या हुआ। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सर, ये त्रावणकोर में लगाई गई थी। कहाँ पर? त्रावणकोर में। पहली फैक्ट्री लगी है त्रावणकोर में और ये लगी है सीरमपुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? सीरमपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। तो आप लोग बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में, क्लियर। उसके बाद भैया 1745 में डैन ने अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच दी। सारी फैक्ट्री ये किसको बेचकर चले जाते हैं कि सर, ये सारी फैक्ट्रियां अपनी अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, भारत छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948, याद है आप लोगों को, 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था? एक देश के महान व्यक्ति एक मंदिर में पूजा कर रहे थे, बिड़ला हाउस में, बिड़ला हाउस में, वहां पर भैया क्या हुआ, वहां पर पूजा करने के दौरान उनको गोली लगती है, 3 गोलियां लगती है, नाथूराम गोडसे उनको गोली मार देते हैं। तो भारत में ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सेप्टेम्बर को। कब मनाया जाता है? 5 सेप्टेम्बर को, ठीक है जी। तो आप लोग बता देंगे सर ये कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए 5 सेप्टेम्बर, यहाँ पर गांधी जी की पुण्यतिथि, गांधी जी की पुण्यतिथि होती है भैया, ठीक है, क्या होती है? पुण्यतिथि होती है। तो आप लोग याद रखेंगे पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 30 जनवरी 1948, समझ गए आप लोग। अच्छा, शहीदी दिवस पूछा जाए, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन मित्र बताएगा शहीदी दिवस कौन कब मनाया गया था? तो आप कहेंगे सर 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, है ना, उम्मीद है पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। पीवी सिद्धू, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी। पहली ओलंपिक खिताब विजेता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि किसने सर ये जीता था। सभी लोग जानते होंगे कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी जो भार उत्तोलन में, किसमें? भार उत्तोलक में इन्होंने भैया जीता था। ये भार उत्तोलक थी, बैट लिफ्टर थी, इन्होंने वजन में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। सभी साथियों को पता होगा ये कब जीता गया था, जो कांस्य पदक जीता था सिडनी ओलंपिक में 2000 में। कब? 2000 में इन्होंने जीता था, ठीक है। जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी इन्हें 1994 में। 1994 में भैया क्या मिला है? तो आप लोग बताएंगे सर इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद बात करें 1995 की, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, लेकिन अब गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राजीव गांधी खेल रत्न का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो आप कहेंगे मेजर, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया। सिंपल सा है कि सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जब साउथ अफ्रीका में थे उस दौरान इन्होंने अपने एक्सपीरियंस
कोई किताब में लिखा, इसे क्या नाम दिया गया है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। 1906 में, 1906 में भैया इन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो एक इनकी एक्सपीरियंस थे, जो इनके अनुभव थे, उन अनुभवों को इन्होंने किताब में लिखा। इन्होंने हिंद स्वराज भी एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। ठीक है जी, हिंद स्वराज भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है पैटन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पैटन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कौन कौन बता रहे हैं? देखिए पैटन जल विद्युत परियोजना को क्या कहा जाता है? पैटल जल विद्युत परियोजना को इसका एक अन्य नाम है, या इसे कोयना जल विद्युत कोयना या जायकवाड़ी, सॉरी कोयना नहीं, जायकवाड़ी। क्या कहते हैं जी उसको? जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना। समझ रहे हैं आप लोग? परियोजना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आप लोग कहेंगे सर जायकवाड़ी, कोयना, ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कौन सी? नागा अर्जुन। कौन सी? नागा अर्जुन, नागा अर्जुन परियोजना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कौन कौन साथी बता देंगे इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अगस्त चबेरा, अन्ना मुड़ी या बनासुरा, इसका क्या आंसर है? तो सभी लोग जानते होंगे सर 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर ऊंचाई है। तो आप लोग कहेंगे कौन सी हो जाएगी? तो अन्ना मुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अन्ना मुड़ी। एनएम क्लासेस जी बता रहे हैं 15 का सी। चलिए, कैसा पेपर रहा एनएम, एनएम क्लासेस जी आपका? नमस्कार, नमस्कार भैया, नमस्कार। इसका बताइए आप लोग। देखिए जी, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन कौन साथी बताएंगे। चलिए, लिखा हुआ है भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? पिकासो के तौर पर किसको जाना जाता है? कौन कौन साथी बताएंगे? मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फिदा हुसैन, मकबूल फजल हुसैन, मोहम्मद फजल हुसैन। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं? बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है? 16 का डी बता रहे हैं रोशन जी। और कौन बता रहे हैं इसका आंसर? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, और मैं बार बार आप लोगों से कहता भी था कि भैया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। कह रहे थे नहीं बहुत ज्यादा डीप आएंगे, बहुत ज्यादा डीप आएंगे, है ना। अब डीप आएंगे, अब जब मेंस का होगा ना लेखपाल वाला, तो उसमें यूपीजी के बहुत डीप आएगा, उसमें आपका जो ग्रामीण परिवेश है वो अच्छा खासा आएगा, उसमें हिस्ट्री भी अच्छा खासा रहेगा, पॉलिटी भी अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, और उसमें एक और होगा उत्तर, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था एक नया टॉपिक है, वो भी उसमें आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए इसका बी नहीं होगा भैया, इसका क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। क्या हो जाएगा जी इसका? मकबूल फिदा हुसैन। इन्हें 1966 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा? पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद 1973 में इनको एक पुरस्कार दिया गया था कि साहब कौन सा पुरस्कार था? तो आप बताएंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 1991 में इन्हें भैया पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल गया, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें कि सर इन्होंने नागरिकता कहाँ की ले ली? अब इन्होंने नागरिकता कहाँ की ले ली? ये भारत के थे लेकिन अब ये कतर में जाकर बस गए, तो इन्होंने किसकी नागरिकता ले ली थी? कतर की नागरिकता ले ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मान के चलना जिसमें इसके 55 से 60 के आसपास है ना, 55 से 60 के आसपास, ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई है, मेंस तो अभी रहना है। ये सब भैया, ये सब आप लोग समझ रहे हैं फंडे हैं,
अब इतने सारे लोगों को पास करेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, फिर पैसा आएगा, है ना। सारी चीजें आप लोग समझते हैं, सब समझदार हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। लिखा है मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक हार्बिसाइड की सिफारिश की गई है। देखिए, साइंटिस्टों ने कहा है कि गन्ने के लिए, किसके लिए, गन्ने एवं मक्का। मक्का उगाने से पहले खेत में किसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि कीड़े ना लगें फसलों में, जिससे कीड़े ना लगें फसलों में। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा अल्ट्राजीन। भूल गए क्या, अल्ट्राजीन भूल गए कि अल्ट्राजीन का छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, और उसके बाद भैया गन्ना या मक्के की फसल लगती है। किसकी फसल लगती है जी, मक्के की फसल लगती है। तो आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग क्या बताएंगे, ये क्या हो रहा है। चलिए, तो आप कहेंगे सर इसका छिड़काव भी किया जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय कपास पूछा है, यहाँ पर बहुत सारे पूछा जाता है। केंद्रीय चावल पूछ लेगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है जी कटक, कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखना। बिल्कुल, आप कहेंगे सर कटक उड़ीसा। कहाँ, कटक उड़ीसा। पूछ लेगा सर आलू, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे। काल आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बता देंगे भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो आलू कहाँ पर होगा, शिमला में। कहाँ पर, शिमला में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर लखनऊ में। कहाँ पर है जी, लखनऊ में। क्लियर। अच्छा, पूछा था कपास का तो नागपुर में, कपास का कहाँ पर है, नागपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण फल चटकता या फट जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। लिखा हुआ किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है, लोहो बोरॉन या पोटास जिंक। क्या इसका आंसर होगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं, चलिए बता दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर जिसमें बोरॉन की कमी हो जाती है, जिसमें बोरॉन की कमी हो जाती है, इसका प्रतीक क्या है। इसका प्रतीक है बी। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा सर परमाणु क्रमांक क्या होता है बोरोन का, तो परमाणु क्रमांक होता है भैया कितना, 5। समझ गए आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अगला प्रश्न है, स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें, इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। क्या इसका आंसर होगा, कौन कौन बता रहे हैं। भूमिका जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल शानदार, तो आप लोग क्या बता देंगे भैया, चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, तैस्वानिया एक्यूलिटी। तैस्वानिया एक्यूलिटी, ये छाल से रस्सियां बनाई जाती हैं। क्या होता है, छाल से रस्सियां बनाई जाती हैं, और हरी खाद के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, किसमें आता है, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ की फसल के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि सर इसे हरी घास, हरी
का प्रयोग भी की करते हैं, हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। खट्टे फलों में किसके कारण भैया कैंकर की बीमारी हो जाती है, जो कैंकर है इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसके कारण होती है, कौन कौन बताएंगे भैया, चलिए किसके कारण होगी बताएं जल्दी से, कौन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा और कौन कौन साथी जवाब देंगे। बिल्कुल, आप लोग बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, फफूंद के कारण, फंगी। बिल्कुल भैया, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, कौन कौन बताएंगे, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय का पूछा है। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, सर अंतरराष्ट्रीय जो है वो फिलीपींस की राजधानी में है, फिलीपींस, तो आप लोग बताना सर फिलीपींस की राजधानी, की राजधानी कहाँ पर है जी फिलीपींस की राजधानी, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताना सर इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे सर मनीला, क्या हो जाएगा मनीला, समझ गए आप लोग क्या आंसर होगा मनीला, ठीक है तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मनीला। और भारत में दक्षिण एशियाई का केंद्र पूछा जाए, दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ पर है इसका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशियाई कहाँ पर होगा केंद्र, दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में, कहाँ पर वाराणसी, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल, जल्दी से बता दें, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए थी, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए हाँ, कौन बता रहे हैं भैया, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पर होगा, तो ये भैया कोलकाता में है, यानी कि कलकत्ता में, कहाँ पर है जी ये कलकत्ता में है इसको भैया, जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। अब आगरा का 80 घाट, विश्वनाथ, ये सब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और इसको तो भैया किसमें शामिल किया है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन चामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बता दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रंगीन तामचीनी, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। देखिए खुर्जा हमने पढ़ा था बुलंदशहर, जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, मिट्टी के, चीनी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकनकारी, जो चिकनकारी होती है, चिकनकारी सूट के लिए प्रसिद्ध है, कढ़ाई, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है तो आप लोग बता दीजिए। वाराणसी भैया वाराणसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी साड़ी के लिए, मुरादाबाद पीतल वगैरह के लिए, कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, मुरादाबाद को भैया पीतल नगरी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में रहेगा, ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, शानदार तरीके से पढ़िएगा, है ना। तो बैचेस के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, यूपीपीएससी आज 12 बजे वाली नहीं होगी, 12 PM पर जो क्लास होगी, 12 PM वाली क्लास 7 PM पर होगी आज, ठीक है, आज जो क्लास है वो 7 PM पर है और भैया 11 PM पर है, ठीक है। चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर करेंगे। सारथी बैच है भैया आप लोगों का 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 50 डेज का क्रैश कोर्स है। ये अभ्यास बैच है भैया यूपीपीएससी का, ये 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मिशन खाकी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ एआरओ यूपीएसआई पैट लेखपाल बीओ, बहुत शानदार कोर्सेज आप लोगों के चल रहे हैं, तो आप लोग इनको ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पर अजीत 10 का प्रयोग करें ताकि आपको 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने
और 3 महीने में अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाए। अजीत 10 का प्रयोग करने पर आपको भैया यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर बीपीएससी यूपीपीएससी में 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, देखिए यूट्यूब चैनल है हमारा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, और यही हमारा भैया टेलीग्राम चैनल भी है। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों यही हैं, तो आप लोग भैया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहें, मेहनत करते रहें। तब तक आप सब लोगों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।